जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ये आपको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आप यहाँ पर किसी भी रीजन से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी इसको डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, ये आप इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले आपको ये जान लेना है कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। एंड मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने ऑलरेडी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर गया, ताकि बाकी कैंडिडेट आपसे बातचीत करके एक साथ में एग्जाम सेंटर पर पहुंच सके। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर है। अब चलिए बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर आपको ये सब जानने को मिलेगा कि कब से लेकर के कब तक आपने फॉर्म को भरा था, कहां के लिए कितनी वैकेंसी थी। तो ये सभी जानकारी आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ कैंडिडेट का सवाल जब मैं एडमिट कार्ड की वीडियो बनाता हूं तो आते हैं कि इसके फॉर्म कब आए थे और कब तक फॉर्म को भरा था। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं शुरू में ही कब फॉर्म आए थे और कब तक आपने फॉर्म को भरा था। अब आपको पता चल गया कि कब आए थे और कब तक भरा था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो आप इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर 26 दिसंबर 2023 से लेकर 12 जनवरी 2024 तक कर पाएंगे। अभी आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिलेगा लॉग इन क्रेडेंशियल हिंदी इंग्लिश। तो आप किस लैंग्वेज में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है, चाहे हिंदी चाहे फिर इंग्लिश। फिर आपको आपका राशन नंबर यहां पर डालना है, जो कि आपको राशन करने के बाद में मिला था। एंड फिर आपको राशन करने के बाद में जो पासवर्ड मिला था वो आप डालिएगा। एंड देन एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइस, यहां पर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है जो आपका पासवर्ड है वो डालने के बाद में इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल की, यानी कि आप यहां पर सही से अपना राशन नंबर भी डाल रहे हैं, आपका जो पासवर्ड है वो भी सही फिल कर रहे हैं, कैप्चा कोड भी सही फिल कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपका इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है, जबकि आपको ये अच्छे से मालूम है कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, आपने कोई भी गलती फॉर्म के अंदर नहीं की थी और फिर भी आपके सामने ये एरर आ रहा है। तो फिर गाइज आपको यहां पर राशन नंबर के बाद में पासवर्ड में आपको पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि डेट ऑफ बर्थ का करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे यहां पर टाइप करनी होगी वो आप यहां पर समझ लीजिए, मैं आपको यहां पर उसको टाइप करके बताता हूं। तो जैसे कि आपकी यहां पर डेट ऑफ बर्थ है 02/05/1998, तो आप यहां पर 02 टाइप करेंगे। फिर आपको हाइफन, ये जो मैं आपको यहां पर टाइप करके दिखाया हूं, ये भी आपको वहां पर अपने कीबोर्ड से टाइप करना होगा, या फिर जो भी आपका कीपैड है मोबाइल से कर रहे हैं तो वो भी आपको टाइप करना है। फिर आप मंथ यहां पर टाइप करेंगे, इसके बाद फिर से आपको हाइफन लगाना है, और फिर जो आपके ईयर के बाद के दो वर्ड है, दो अंक है, वो आपको यहां पर लिखने हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका बर्थ है 1998 तो आप 1998 का 98 यहां पर लिखेंगे, 2000 है तो आपको यहां पर 00 लिखना है, 2001 है तो 01 02, इसी तरीके से जो भी आपका बर्थ के बाद के दो अंक है वो आपको यहां पर इस तरह से लिखने हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको लिख करके बताया, हाइफन भी, ये भी आपको यहां पर टाइप करना होगा, बिना इसके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से रहेगा, जिसमें कि आप राशन नंबर, आपका एग्जाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम, आपका रोल नंबर, यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बोला कि प्लीज अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड साइन अक्रॉस, यानी कि जो फोटो आपने फॉर्म फिल करते समय अपलोड किया था वही सेम फोटो आपको यहां पर कलर में चिपकाना है और उसके ऊपर साइन अक्रॉस करने हैं, यानी कि आधे साइन आपके फोटो के ऊपर और आधे यहां पर नीचे होने चाहिए। साथ ही यहां पर कहा है कि आपको प्लीज कीप 8 कॉपीज ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि जो आप फोटो यहां पर चिपका रहे हैं उसकी 8 कॉपी अपने पास आपको सेफ रखनी है, क्योंकि आपको आगे चल करके उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। इन एडिशन टू द पेस्टेड फोटोग्राफ 2 more photographs इज टू बी बाउट फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि 8 तो आपको सेफ रखने हैं और 2 फोटो आपको एग्जाम सेंटर पर एक्स्ट्रा लेकर के जाने हैं। साथ ही आप यहां पर नीचे देखेंगे फोटोग्राफ अफिक्स्ड शुड मैच द अपलोडेड फोटोग्राफ एज प्रिंटेड, यानी कि
जो फोटो आप यहाँ पर लगाएंगे वो आपका फोटोग्राफ जो इसके ऊपर प्रिंटेड है उससे मैच होना चाहिए। इन केस ऑफ डिस्परेंसी दी अपलोडेड फोटो ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, यानी कि जो फोटो आपने यहाँ पर अपलोड करके रखा है अगर कोई भी इसमें चूक पाई गई तो यही फोटो आपका आइडेंटिटी के रूप में देखा जाएगा और इसी से आपकी जाँच या जो भी है आपकी पहचान वो की जाएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है उसकी, तो आपको एडमिट कार्ड कलर में प्रिंट कराना है। दूसरा, आपको यहाँ पर आपकी आईडी ओरिजिनल में एग्जाम सेंटर पर लेकर के जानी है और आप यहाँ पर नीचे फर्स्ट पॉइंट में देख भी सकते हैं कि क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है। तो बोले प्लीज ब्रिंग दिस कॉल लेटर विद योर फोटोग्राफ परफिक्स दियर ओन ए फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ स्टैम्प्ड विद इट एंड सेम करंटली वैलिड फोटो आईडी इन ओरिजिनल एंड टू एडिशनल फोटोग्राफ दिस इज इसेंशियल। यानी कि आप तो एक तो ये आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है कलर में, साथ ही साथ आप दो एडिशनल फोटोग्राफ आपके लेकर के जाएंगे एग्जाम सेंटर पर, वही फोटो जो आप यहाँ पर चिपका रहे हैं और उसके 8 फोटो आपको घर पर भी रखने हैं। एंड साथ ही आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी लेकर के जाएंगे जिसमें कि आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, तो कोई एक आईडी आपको इनमें से ओरिजिनल में लेकर के जानी है। और ध्यान दीजिएगा जो आईडी आपने यानी कि जो नाम आपका इस फॉर्म के अंदर है वही नाम आपका आईडी के अंदर होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। सो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आपको पढ़ लेने हैं। मेन चीज़ यही है जो कि मैंने आपको बताई है। अब अगर आप इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से और आप मेरे द्वारा कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये वाला, ये आप ओपन करेंगे। आपको यहाँ पर कमेंट में कोई भी जानकारी नहीं देनी क्योंकि यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, इसलिए आप सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए, मैसेज में आप यहाँ पर आपका राशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे और साथ ही साथ पासवर्ड भी दे ही दीजिएगा। एंड उसके बाद आपको लिखना है SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2023। गाइज चारों इन्फॉर्मेशन देनी इंपॉर्टेंट है, SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2023 लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका राशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट चेक कराने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए चारों इन्फॉर्मेशन देनी है और सबमिट करना है, एंड देन ये जानकारी मेरे पास आएगी और मेरे से इतनों का भी हो पाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप मुझे DM कर दीजिए रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, मैं यहाँ से भी आपकी हेल्प कर दूंगा। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।